गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंट एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप जो भी हम बोले, तो यहां पे पार्टनरशिप के बारे में हम देख रहे थे। तो उसके अंदर हमारे मेन जो दो अकाउंट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स में, वो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों को समझना जरा जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का उदाहरण नंबर 24 इलस्ट्रेशन, सॉरी 14 इलस्ट्रेशन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसके पहले आप लोग गुजराती या हिंदी मीडियम में, जो भी मीडियम में हो, गुजराती हिंदी या इंग्लिश तीनों मीडियम में से आप अपनी बुक का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उदाहरण का जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, दो से तीन बार पढ़ लीजिए, बाद में उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ जुड़िए, तब तक आप पॉज कर दीजिए। सक्षम समर्थ एंड श्रेय आर पार्टनर ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म का पार्टनर में सक्षम समर्थ एंड श्रेय है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज 1,60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। उसकी जो पूंजी है, उसकी जो मूड़ी है, वो 1,60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब अनुक्रम है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे कैपिटल तो दिया ही हुआ है, और यहाँ पे हमें ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद इतना पता है कि यहाँ पे करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि करंट अकाउंट का कोई हमें बैलेंस भी नहीं दिया, और करंट अकाउंट हमें कोई उसका मेथड भी नहीं बोला है कि क्या करना है। तो इसलिए हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, और बनाए हैं तो उसका कैपिटल यहाँ पे लिख देते हैं, बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड 40,000 एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसा हमने मतलब पहले इसकी स्टार्टिंग में हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड बनाया होता है तो उसके कुछ उस हिसाब से रूल लगते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो हमें कोई उस हिसाब से नहीं चलना है। हमारा जो एक फाइनल रूल है, तो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें 6 पॉइंट मैंने बताए थे, वो 6 पॉइंट को ही हमें ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल गिनना है, 8% पर एनम गिनना है, और ये हमारा एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट होने की वजह से इसकी डबल एंट्री होगी, और ये चीज हमको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है। तो ट्रायल बैलेंस शीट जो है, ट्रायल बैलेंस शीट है तो उसमें ये चीज है, इसलिए वो एक ही उसकी एंट्री होगी। तो वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कौन सी, मतलब यहाँ इसका सेकंड चैप्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक ही एंट्री होती है और एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में हम खुद कैलकुलेट करते हैं, या फिर दिया होता है, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट नहीं होता है। तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, मतलब वार्षिक ही गिनना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8% गिने तो 1,00,000 का होता है। तो यहाँ पे तीनों का कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, जो ये फर्म है वो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो उसको उनके मालिकों को चुकाना है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, शायद लॉस आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीनों का नाम का लिस्ट बना दूंगा। तो नाम है सक्षम समर्थ एंड श्रेय, मैंने शॉर्ट में लिखा है सक्षम समर्थ एंड श्रेय। और यहाँ पे कोई रेशियो नहीं देखना है, जितना भी यहाँ पे अमाउंट है 1,00,000 उसका 8% करना है, तो यहाँ पे आएगा 8,000 एंड उसके बाद 60,000 का 4,800 एंड देन 40,000 का 3,200। तो यहाँ पे उसका टोटल आ रहा है 16,000। ओके, तो ये 16,000 आ गया। उसके बाद
हमारा मतलब इसका जो है वो डबल एंट्री होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी अमाउंट हमने उसको चुकाया नहीं है, नहीं चुका है, इसलिए हमारा देना हो जाता है, हमारी लायबिलिटी हो जाती है, हमारा दायित्व हो जाता है, और दायित्व हो जाता है तो वो तो बैलेंस शीट का एक पार्ट है, और बैलेंस शीट का पार्ट है तो उस लायबिलिटी साइड में मतलब हमारी क्रेडिट साइड में लिखना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना चुकाना बाकी है उतना ही लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कोई ऐसा दिया नहीं होता है, सब चुकाना ही बाकी होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया जाता है कि कितना चुका है उतना माइनस करके बाकी काम है यहाँ पे लाइबिलिटीज में लिखना है। सेकंड है 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्रॉइंग्स। यहाँ पे ड्रॉइंग्स अभी तक हमारे क्वेश्चन में आया नहीं है। मंथली सैलरी ऑफ 600 इज पेएबल टू समर्थ। समर्थ को मंथली सैलरी 600 पे कर देते हैं, तो समर्थ को पे करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो सैलरी समर्थ को पे करना है मंथली 600 है, तो 12 × 600 क्योंकि 12 मंथ तो ईयर में होते हैं, तो 7200 उसको पे करना है, तो समर्थ को हम पे कर देते हैं 7200 सैलरी, और इन दोनों को कोई सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि डीड में कुछ उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। पार्टनर्स वुड शेयर हाफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट दे विल शेयर इन देयर ओपनिंग कैपिटल प्रोपोर्शन। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने किया है पार्टनर्स ने, कि जितना भी वो लोग रिस्क, कुछ चीज वो रिस्क भी उठा रहे हैं और कुछ चीज उसको मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने हाफ हाफ कर दिया। हाफ जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ जो होगा वो तो उसके इक्वल ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी का हाफ होगा उसको उसके कैपिटल के उस मतलब प्रोपोर्शन में मिलेगा, तो यहाँ पे वो सी चीज दी हुई है, तो बहुत अच्छी चीज दी हुई है, उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दिया था ड्राइंग्स के ऊपर 10% गिनना है, तो उसके लिए ड्राइंग्स होना चाहिए, तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑन 1 जनवरी 2017 सक्षम एंड श्रेय हैव विदड्रॉन 5000 और 4000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने एक ही तारीख को 1 अप्रैल को यहाँ पे ड्रॉइंग्स किया था, तो 1 अप्रैल 2017 को सक्षम ने विड्रॉ किया था, सक्षम 5000 एंड श्रेय ने किया था 4000, समर्थ ने कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रॉइंग्स या विड्रॉ या उपहार या आहरण, तो ये भी हो गया। अभी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट गिनना है, लेकिन वो जो पैसा ले जाते हैं धंधे में से, फर्म में से वो पैसा ले जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट वो फर्म को देंगे, है ना, जिस तरह वो जितना पैसा देते हैं उसका इंटरेस्ट वो ले जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसी तरह वो जो पैसा ले जाते हैं ड्रॉइंग्स कर देते हैं उपहार कर लेते हैं आहरण कर लेते हैं, उसका पैसा उसका इंटरेस्ट उसको हमें देना पड़ेगा, और उसको हमें मतलब वो हमको देगा, मतलब वो हमको मतलब हम कुछ नहीं है, हम फर्म है, तो हम वो फर्म को देगा, तो फर्म को देगा तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लेकिन यहाँ पे दो ही व्यक्ति ने किया है तो उसके दो का ही मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, सक्षम अगर आगे आ सकता है तो देख लेते हैं, एंड श्रेय आगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो सक्षम एंड श्रेय दिया है 5000 का इंटरेस्ट ऑन 10% बोला है, लेकिन 10% जो एनुअल है तो एनुअल 10% है तो वो तो 500 हो जाएगा, एनुअल 10% 5000 का इंटू 10% 500 हो गया। अभी वो 500 तो पूरे ईयर का है, लेकिन हमें ईयर कितने हमें कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तारीख को 1 अप्रैल को ले जाते हैं, तो 1 अप्रैल से लेके मतलब अप्रैल में जून सॉरी 1 अप्रैल सॉरी माई मिस्टेक 1 अप्रैल 1 जनवरी को ले जाते हैं ना, सॉरी 1 जनवरी से, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने का, क्योंकि ये मार्च में होगा, यहाँ पे मार्च होगा 31 मार्च 2017 होगा, तो यहाँ पे 1 से 3 तक ये 3 महीना वो यूज कर रहा है पैसा, तो 3 महीने का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 500 जो है पूरे साल का है, तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मंथ का मिल जाएगा 41.67, लेकिन उसको अभी हम 3 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 124.99 मतलब 125 मिल रहा है इसका, इन द सेम वे 4000 का
इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 3 months, तो इट इज 100 rupees 99.99, तो 225 टोटल आया है। और ये जो अमाउंट है उसकी वो पूरी उससे पास लेनी है, इंटरेस्ट हमें उनके पास लेना है, हमें फॉर्म को लेना है। तो इंटरेस्ट हमें लेना है तो ये हमारी इनकम है, लेकिन मिला नहीं है, इसलिए वो हमारे एसेट्स में जाएगा। तो एसेट्स हमारा मतलब डेबिट साइड जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे इसका 125 आएगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, और इसका आएगा 100 rupees। और ये यहाँ पे डेट लिख देते हैं 31 मार्च 2017, यहाँ पे भी लिख देते हैं 31 मार्च 2017, यहाँ पे लिख 31 मार्च 2017, यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2016। तो ये सब डेट हो गई क्योंकि ये बैलेंस स्टार्टिंग का है तो वही डेट रहेगी। और आगे लिखा है इसमें पार्टनर सेव अन एनी मोस्टली डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। पार्टनर्स ने एक दूसरे को पूछ के मीटिंग करके एक दूसरे की परमिशन से ये डिसाइड किया कि जो 10% जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा बचेगा यहाँ पे, मतलब इसका जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, उसको हमें जनरल रिजर्व में, मतलब गुजराती हिंदी में बोले तो सामान्य अनामत के तौर पे रखना है, तो उसको हम यहाँ पे अलग से रिजर्व के तौर पे, अनामत के तौर पे, वो एक प्रकार का हमारा अनामत रहता है, वो इन फ्यूचर बिजनेस को कभी भी अचानक आवश्यकता पड़े तो जनरल रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व में पूरा का पूरा मुनाफा ये लोग खर्च कर देंगे तो नहीं चलेगा, उस मुनाफे को बिजनेस में बिजनेस के लिए भी आगे रखना जरूरी है। तो बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट, ये सभी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के पहले, मतलब ये तीन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के पहले, अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 वॉज 34,975। तो हमारा नेट प्रॉफिट है 34,975। इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या बताएं, यहाँ पे तो ये सब करने के बाद पहले का यहाँ पे बोला है, तो इसमें ये सब करने के पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद इसमें प्लस करके ये सब लिखना है। लेकिन कभी कभी बोल दिया जाए कि बिफोर में आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये उसमें उसने गिन लिया होता है, मतलब प्लस कर दिया होता है, तो उसमें से वो माइनस करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा बोला जाए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये प्लस भी कर दिया होता है, ये माइनस भी कर दिया होता है, उसमें से हमें ये वापस प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको समझ में नहीं पड़ेगा ऐसा वर्ड, इसलिए मैं अभी से समझा रहा हूँ। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को दोनों को कंपेयर करिएगा तब जाके पता चलेगा। तो ऐसा बोला जाए कि आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो ये माइनस प्लस भी कर दिया होगा, ये दोनों चीज माइनस भी कर दी होगी, तो हमें ये दोनों प्लस करनी है और ये माइनस करके यहाँ पे लिखना है, हमें तो यहाँ पे ही लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो वो सब तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सब तो हो गया, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 34,975 + 225 = 335,200 हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे मेरे कुछ बाद में जगह की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं बाद में, तो यहाँ पे उसको लिख देता हूँ 35,200। अभी ये 35,200 जो है उसमें से ही मैं ये दो चीज माइनस करता हूँ, 16,000 - 7,200,
इट मीन्स आया 12,000। अब ये 12,000 जो आया है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हैं हम उसको। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में, नहीं लास्ट सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि पार्टनर्स हैव अनएनिमोसली डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब उसका जो वेचनी पात्र नफो अथवा तो विक्रय पात्र लाभ जो है, डिविजिबल प्रॉफिट जो है, उसमें से 10% जनरल रिजर्व में ले जाना है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो बच रहा है वो बच रहा है 12,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझ लीजिए कि वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस, यहाँ पे साइड में अभी लिख रहा हूँ। अच्छा लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये 12,000 जो है उसके अंदर यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन वो डिविजिबल प्रॉफिट वो लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। उसमें से 10% तो साइड में रख दे रहे हैं देन बिजनेस को आगे इन फ्यूचर जरूरत पड़ी इसलिए। सॉरी, 10,000 नहीं, 12, 10%। तो 12,000 का 10% होता है 12,1200। वो हम जनरल रिजर्व के लिए ले जाएंगे। और जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है? जनरल रिजर्व के लिए आगे के लिए रखेंगे बिजनेस में, इन फ्यूचर कभी भी काम आन पड़े तो इसमें से यूज कर सकते हो। तो ये जनरल रिजर्व कहाँ पे आएगा? हमारा लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड आएगा। लेकिन वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो एक हेडिंग रखेंगे हम, वो हेडिंग में आएगा जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। वहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी होगा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। गुजराती में बोले तो अनामत ने वधारो, हिंदी में अनामत और आधिक्य में आएगा। तो वहां पे रख देते हैं। तो अभी 12,000 में से 1200 माइनस हो गया तो कितना बचा? 10,800। अभी 10,800 है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। ये तीनों पार्टनर्स सक्षम, समर्थ एंड श्रेय, उसको बांटना है। बांटना तो है, डिवाइड तो करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मस्त उन्होंने फोर्थ नंबर का, पार्टनर शुड शेयर हाफ प्रॉफिट ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट दे विल शेयर इन देयर ओपनिंग कैपिटल प्रोपोर्शन। ओपनिंग कैपिटल प्रोपोर्शन जो है वो है हमारा, अगर 4 जीरो को माइनस कर दिया, निकाल दिया जाए तो 10, 6 एंड 4, तो 10:6:4। यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 10,800, उसका मैं 2 पार्ट करता हूँ, हाफ प्रॉफिट 5,400 एंड अदर हाफ 5,400। अभी हाफ प्रॉफिट को तो इक्वल प्रोपोर्शन में करना है, तो सक्षम, समर्थ एंड श्रेय, तो 1:1:1 करना है फर्स्ट जो पार्ट है उसका। तो उसको 5,400 मतलब आई थिंक 1,800 आएगा तीनों को पार्ट डिवाइड करें तो, प्लस अभी बाकी का जो है उसको हमें ओपनिंग कैपिटल पे मतलब प्रारंभिक शेष पे करना है, तो वो है हमारा 10:6:4, ये प्रोपोर्शन है। तो टोटल कितना होता है उन तीनों का? टोटल होता है 20, तो 5,400 को 20 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आ जाएगा 2700। फिर 6 कर देंगे तो आ जाएगा 1620 एंड 4 कर देंगे तो 1080। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अभी इन दोनों का टोटल करना है हमें, 1800 प्लस 2700, इट इज 4,500। देन 1800 प्लस 1620 इक्वल्स 3420 एंड लास्ट 1800 प्लस 1080 इक्वल्स टू 880। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि तीनों का टोटल 10,800 आ रहा है कि नहीं। तो 4,500 प्लस 3420 प्लस 2880, 10,800 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा 4,500, 3,420 एंड 2,880, 10,800।
और ये दोनों का टोटल हो जाएगा 12,000। अभी इसका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमको जनरल रिजर्व के बारे में ऐसा नहीं बोला है कि जनरल रिजर्व को घटाने के बाद मतलब डिडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसके ऊपर से परसेंटेज निकाल, कुछ नहीं बोला है। तो जो हमारा अमाउंट आ गया उसी को, उसी के ऊपर से परसेंटेज निकालना, मतलब उसी को 100 मान के चलना है। लेकिन ऐसा कभी भी बोला है डिडक्ट करने के बाद, आफ्टर डिडक्शन वर्ड दिया है, कमीशन हो चाहे जनरल रिजर्व हो कुछ भी हो, तो वहां पे वो जो अमाउंट है उसको 100 नहीं मानना है। उसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के आंसर चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आपको 100 मानना है, वो पहले से हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्रॉस एंट्री हम दे देते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट भी उन्होंने लिया नहीं है, तो वो भी यहाँ पे ही आएगा लाइबिलिटीज में हमारे लिए, हमने उसको दिया नहीं है, हमने मतलब फॉर्म ने बाय डिविजिबल प्रॉफिट 4,500, 3,420 and 2,880। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अभी हमें डिफरेंस निकालना है। अच्छा, जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, जनरल रिजर्व की दूसरी एंट्री जो होगी वो बैलेंस शीट में होगी, लायबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस में होगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली, मेरे पास आंसर है तो यहाँ पे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली टोटल लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1,075,420 और इसका टोटल आएगा 546,080। वही अमाउंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,12,500, 74,420 and 46,080। तो ये जो डिफरेंस आ गया, सॉरी यहाँ पे जो अमाउंट आया उसमें से ये दोनों चीज को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिलेगा, वो हमारा होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन था, यहाँ पे होगा क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको हम ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको ले जाएंगे हम बैलेंस शीट में, कैपिटल में। तो यहाँ पे से ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 + 5 = 0, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 107,375। उसके बाद दिया है 75,420 और उसके बाद दिया है 41,980। ये हमारा डिफरेंस आना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट भी लिखिएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लोजिंग बैलेंस 31 March 70, ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। कैलकुलेशन जो भी है आपको क्वेश्चन के साथ ही बाजू में एक पेज में दिखानी चाहिए।